हेलो गाइस, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल चैंप में। और इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाला दोस्तों थर्ड ओडीआई मैच। दोस्तों ये मैच राजकोट में 27 सितंबर को खेला जाएगा। दोस्तों देखो, ऑलरेडी इंडिया 2-0 से श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है, बट गाइज वो जो तीसरा मैच होगा ना गाइज वो काफी बढ़िया मैच होने वाला है, क्योंकि यार देखो आप सभी को पता है दोस्तों कि गाइज इस मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोस्तों और जो भी दोस्तों जो बड़े बड़े प्लेयर हैं लाइक हार्दिक पांड्या हो गया, कुलदीप यादव हो गया दोस्तों, वो इस मैच में आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं। और गाइस देखो ऑस्ट्रेलिया टीम की ओर से दोस्तों आपको बड़े बड़े प्लेयर लाइक ग्लेन मैक्सवेल हो गया, मिचेल स्टार्क हो गए, आपको दोस्तों वो इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस आइए जानते हैं कि दोस्तों जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ती है और गाइस वो जब स्टार बैट्समैन और स्टार बॉलर जब आपस में भिड़ते हैं तो गाइस हमारी ड्रीम इलेवन टीम का कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और गाइस हमें अपनी टीम में कौन कौन से प्लेयर को ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो का लास्ट तक देखना। ठीक है, वीडियो में दोस्तों आपके लिए गिव भी रहेगा, क्वेश्चन आंसर गिव है। ठीक है, तो अगर आप लास्ट तक देखते हो तो गाइज आप गिव में भी आप पार्टिसिपेट श्योर करना। ठीक है, तो गाइज पहले हम लोग यहाँ पर पिच रिपोर्ट की बात कर ले दोस्तों। देखो जो यहाँ पर लास्ट मैच खेला गया था इस पिच पर वो गाइज देखो 2020 में खेला गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसका मैं आपको स्कोर कार्ड आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ दोस्तों। ये मैच भी देखो काफी हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, इसमें भी देखो इंडिया मैच को विन कर गई थी। ठीक है, यहाँ पर आप इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, पेसर्स ने 8 विकेट लिए थे, स्पिनर ने 7 विकेट लिए थे और मैच देखो काफी हाई स्कोरिंग गया था। तो गाइस देखो पीजी ही ऐसी है दोस्तों हाई स्कोरिंग वाली, और गाइस देखो यहाँ पर आपको पेसर्स और स्पिनर देखो दोनों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल विकेट रहने वाला है। लास्ट अगर आप दो डी एक मैच की अगर आप बात कर लो तो पेसर्स ने 14 विकेट लिए हैं और स्पिनर ने यहाँ पर 12 विकेट लिए हैं। ठीक है, एवरेज स्कोर यहाँ पर दोस्तों आपको 300 के आसपास आप यहाँ पर रन बनते हुए देख सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर टोटल मैच गाइस तीन मैच हुआ है यहाँ पर ओडीआई का, जिसमें दोस्तों बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने यहाँ पर तीनों के तीनों बार मैच को विन कर गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो पिच रिपोर्ट हो गया, बाकी गाइस यहाँ पर स्कोर कार्ड आप चेक कर लेना। एक मैच 2020 में खेला गया था, एक मैच 2015 में खेला गया था। ठीक है, हेड टू हेड रिकॉर्ड में तो खैर पल रहा हमेशा से देखो ऑस्ट्रेलिया का भारी रहा है, बट दोस्तों रिसेंट फॉर्म आप यहाँ पर चेक कर लो दोस्तों, रिसेंट फॉर्म ऑस्ट्रेलिया का काफी गंदा है। ठीक है, लास्ट जो अपनी 5 मैच जो लास्ट खेली ऑस्ट्रेलिया देखो, 3 मैच तो गई साउथ अफ्रीका से हार करा रही है और 2 मैच यहाँ पर वो इंडिया से बैक टू बैक हार गई है। श्रृंखला भी दोस्तों अपने आप वो गंवा चुकी है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर इंडिया काफी अच्छे फॉर्म में, और देखो इंडिया के साथ सारे प्लेयर लाइक बैट्समैन बॉलर दोस्तों सारे अच्छे फॉर्म में है। ठीक है, इंडियन टीम की अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूँ तो गाइस देखो शुभमन गिल को यहाँ पर रेस्ट दिया गया है, शार्दुल ठाकुर को रेस्ट दिया गया है और अक्षर पटेल दोस्तों रूल्ड आउट हो गए हैं तीसरे मैच से। ठीक है, तो दोस्तों ओपनिंग आपको रोहित शर्मा और लगभग यहाँ पर ईशान किशन आपको करता हुआ दिखाई देगा, नंबर 3 पर विराट कोहली और नंबर 4 पर विकेट कीपर बैट्समैन लोकेश राहुल आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों श्रेयस अय्यर लास्ट मैच में काफी बढ़िया सेंचुरी इन्होंने लगाया था, हार्दिक पांड्या राइट हैंडेड बैटिंग और राइट आर्म मीडियम दोस्तों ये मैच में आपको ये खेलता हुआ दिखने वाला है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों रविंद्र जाडेजा लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर और रविचंद्रन अश्विन ठीक है राइट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, काफी दोस्तों बढ़िया दोनों बॉलिंग करते हैं। लास्ट दो मैच में दोस्तों दोनों ने 3-3 विकेट लिए थे और गाइस काफी हद तक इन्होंने ऑस्ट्रेलियन टीम के रीढ़ की हड्डी को समाप्त कर दिया था। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों कुलदीप यादव को इस मैच में वापसी हो जाएगी, लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर, जसप्रीत बुमराह राइट आर्म फास्ट बॉलर और गाइस यहाँ पर आपको मोहम्मद सिराज इस मैच में आपको खेलता हुआ दिखाई देने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये तो इंडियन टीम की प्लेइंग 11 होगी। बॉलर की मैं बात करूँ तो गाइस स्टार्टिंग और आपको मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे पहले 10 ओवर में। वही दोस्तों डेथ ओवर में आपको जडेजा का ओवर, सिराज का ओवर और बुमराह का ओवर आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, वही दोस्तों ऑस्ट्रेलियन टीम की बात करूं तो गाइस देखो इनके टीम में अभी तो गाइस देखो मैंने कुछ ऐड नहीं किया हुआ है, बट गाइस देखो मैं आपको अगर मैं नॉलेज के लिए बता दूं तो गाइस इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल मिचेल स्टार्क की वापसी हो सकती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट वेट करना, अगर आप खुद की टीम क्रिएट करना चाहते हो तो भाई मेरे यहाँ पर आप टॉस का वेट करना, लाइनअप आने के बाद ही आप अपनी खुद की टीम बना सकते हो। ठीक है, ओपनर तो गाइस आपको वार्नर और मिचेल मार्श जो कि दूसरा मैच उन्होंने मिस किया था आपको ये इस मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे, नंबर 3 पर स्टीव स्मिथ और नंबर 4 पर दोस्तों आपको मानस लागुसाने बैटिंग करता हुआ दिखाई देने वाला है। उसके अलावा दोस्तों कैमरन ग्रीन जो कि यार राइट आर्म मीडियम बॉलर है और मार्कस टोनी जो कि आपको नंबर 5 और नंबर 6 पे आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अगर ग्लेन मैक्सवेल खेलता है तो फिर गाइस देखो ग्लेन मैक्सवेल आपको यहां पर खेलता हुआ दिखाई देगा जॉस इंग्लिस के प्लेस पे। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों पैट कमिंस राइट आर्म फास्ट बॉलर और फिर गाइस यहां पर शेन वॉर्न राइट आर्म फास्टर और एडम जंपा दोस्तों लेग स्पिनर। तो फिर एडम जंपा यार हमेशा से इंडियन बैट्समैन को क्योंकि यार हमेशा से परेशान करता आया हुआ है। ठीक है, और फिर गाइस उसके अलावा यहां पर जॉस हेजलवुड राइट आर्म फास्टर मीडियम बॉलर। ठीक है गाइस, यहां पर देखो जॉस इंग्लिस केवल एक ही विकेट कीपर बैट्समैन है, तो गाइस देखो यहां पर विकेट कीपर तो चेंज नहीं होगा, बट अगर
मैक्सवेल खेलता है, तो फिर आपको यहाँ पर कैमरन गिन आपको देखो बेंच पर जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर यहाँ पर स्टार्क खेलता है तो फिर गाइज यहाँ पर आप सैन अबॉट को आप बेंच पर जाते हुए देख सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों देखो ऑस्ट्रेलियन टीम की ओर से स्टार्टिंग और आपको पैट कमिंस, जॉस हेजलवुड, और अगर सैन अबॉट खेलता है तो सैन अबॉट, नहीं तो आपको मिचेल स्टार्क आपको बॉलिंग करता हुआ दिखाई देगा। वहीं दोस्तों डेथ कॉल में हेजलवुड और पैट कमिंस का यहाँ पर आपको ओवर आप देखने वाले हो, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर फाइनल टीम की बात करने से पहले भाई मेरा यहाँ पर आपके लिए गिव वे का दोस्तों कुछ क्वेश्चन, दोस्तों यार गिव वे का पहला क्वेश्चन रहेगा कि दोस्तों इस मैच में दोस्तों देखो सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला प्लेयर कौन सा रहेगा, और दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है कि इस मैच में सबसे ज्यादा चौके मारने वाला प्लेयर कौन सा रहेगा, ठीक है। तो गाइस आपको सिंपली कमेंट सेक्शन में जाना है, और मेरे भाई इन दोनों सवालों के आपको आंसर ना मैच स्टार्ट होने से पहले ही आपको देना है, ठीक है। देखो यार जिनका आंसर सही होगा दोस्तों उन्हें हमारी ओर से गिव अवे प्राइज आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, और गाइस को गिव अवे विनर का अनाउंस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिखने वाला है। तो मेरे भाई अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे भाई ज्वाइन कर लो, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, ठीक है। और गाइस देखो फाइनल टीम फाइनल अपडेट के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस टीम की बात कर लूँ तो गाइस देखो जो आपको टीम अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रही है ना, देखो मैं इसी टीम के साथ 2 मेंबर 3 मेंबर और 4 मेंबर तक की मिली ज्वाइन करने वाला हूँ, ठीक है। कप्तान वाइस कप्तान मेरे दोस्तों अभी के लिए विराट कोहली, और गाइस यहाँ पर मेरा वार्नर रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहो तो दोस्तों आप यहाँ पर देखो स्टीव स्मिथ के साथ भी आप देखो जा सकते हो, इवन अगर ग्लेन मैक्सवेल खेलता है तो गाइज आप अपने टीम में ग्लेन मैक्सवेल को भी एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग के लिए आप देखो ट्राई करना, ठीक है। बाकी गाइज उसके अलावा यहाँ पर लोकेश राहुल एक अच्छे फॉर्म में है, अगर आप ट्राई करना चाहो तो यहाँ पर आप स्टीव स्मिथ को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कुलदीप यादव खेलता है तो यहाँ पर गाइज आप अपने टीम में जडेजा या अश्विन के प्लेस पे, ठीक है, यहाँ पर आप देखो कुलदीप यादव को आप देखो ले सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों ऑलमोस्ट मेरी फाइनल टीम रहेगी, और गाइज देखो फाइनल टीम आपको हमारे टॉप्स के बाद जैसे ही लाइनअप आती है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखो अपडेट कर दिया जाएगा, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो मेरे भाई ज्वाइन कर लो, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, ठीक है। बाकी गाइस आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो मेरे भाई वीडियो को आप लाइक करना, आपका प्यार सपोर्ट समर्थन मिलता है तो हमें काफी अच्छा लगता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सेवा हुए और हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक।